बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आ जाए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए, क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे। हो गया भाई, अगर इधर इधर बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोल रहे केसीआर, आप क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए, ये हमारा रिकॉर्ड है। आप क्या बोलते हैं? हमने सबसे ज्यादा पैसा हैदराबाद को दिया है, मैं दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाला हूँ, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 7 लाख लोगों के घर में पानी भर गया। श्री ओवैसी और श्री केसीआर कहाँ थे? एक के भी घर में नहीं गए, आप दिखाई भी नहीं पड़े। जनता पानी में, घर में पानी रहा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लोगों के बीच में रहे हैं। कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए 1300 करोड़ लाने को, मैं लेटर लिखा प्रधान को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोले। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिसाब किताब दूंगा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोले, आप क्या बोलते? बीएसएनएल को कोई प्राइवेट नहीं किया। हो गया भाई, अगर इधर इधर और केसीआर दिल्ली आ जाए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे, ये बोल के दिल्ली से एक गली इलेक्शन को कैंपेन करने को बीजेपी लीडर आए बोल रहे। कोई इलेक्शन गली का इलेक्शन नहीं होता, मैंने कहा ना ये निजाम का कल्चर है जो जनता को गली का इलेक्शन कहते हैं, ये हैदराबाद की जनता का अपमान है। हम हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करना चाहते हैं।